जगत एनिमेलिया, जंतु जगत, किंगडम एनिमेलिया। पहला, इस जगत के जीव बहुकोशिकी यूकेरियोटिक एवं विषमपोषी होते हैं। दूसरा, इनकी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तीसरा, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। चौथा, इन जीवों में पोषण अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। इनमें भोजन को ग्रहण करने के लिए विशिष्ट अंग होते हैं, जैसे तितली में रस चूसने की नली, मनुष्य में मुंह, पक्षियों में चोंच आदि। अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए शेर, मैना, मछली, मनुष्य, हाइड्रा, फीताकृमि, केचुआ, घोंघा, बिच्छू, सितारा मछली आदि। जंतु जगत का एक वर्गीकरण रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं के संदर्भ में हम देखते हैं तो पाते हैं कि इन जंतु को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला, ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है, और दूसरा, ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला, जिनकी त्वचा पर बाल होता है, और दूसरा, जिनकी त्वचा पर बाल नहीं होता। जिन जंतुओं की त्वचा पर बाल पाए जाते हैं उनमें स्तनधारी जंतु आते हैं, जैसे मनुष्य, शेर, बिल्ली, गाय, चमगादड़ आदि। ऐसे जंतु जिनकी त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते, इनमें मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी आदि आते हैं। इन्हें पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, वे जिनके शरीर पर पंख होते हैं, और दूसरा, वे जिनके शरीर पर पंख नहीं होते। जिनके शरीर पर पंख होते हैं उन्हें पक्षियों की श्रेणी में रखा गया है। इनके अंतर्गत मैना, तोता, कौआ, मुर्गा आदि आते हैं। जिनके शरीर पर पंख नहीं होता है उनके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप आदि हैं। मत्स्य, उभयचर, सरीसृप को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, जिनकी त्वचा नमी युक्त होती है, और दूसरा, जिनमें नमी युक्त त्वचा का अभाव होता है। नमी युक्त त्वचा में मत्स्य, उभयचर आते हैं, जिन्हें पुनः हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, जिनके शरीर पर शल्क होते हैं, और दूसरा, जिनके शरीर पर शल्क नहीं होते। जिनके शरीर पर शल्क होते हैं उनमें मत्स्य, रोहू, कतला आदि शामिल हैं। जिनके शरीर पर शल्क नहीं होते उनमें उभयचर, मेढक, टोड आदि शामिल हैं। नमीयुक्त त्वचा का अभाव पाया जाता है, इनके अंतर्गत सरीसृप, छिपकली, सांप, कछुआ आदि।